इसलिए वो गोली चलवा रहे हैं, तो सरकार तो कहिए बर्खास्त करवा दी। नरेंद्र मोदी जी तो उनके पास है, उनको बोलिए कि नीतीश जी को जल्दी से बर्खास्त करिए। शांति के लिए हम आए थे कि कम से कम छपरा में बीजेपी के गुंडे थे, बीजेपी के वर्कर ने कम बदमाशी किया। या मेरे लालू जी तो पहले भी तो चुनाव लड़े हैं, ये नहीं लड़े हैं, राम बहादुर राव से लेकर प्रभुनाथ भाई से लेकर अरूढ़ी जी नहीं लड़े हैं लालू जी के साथ के बारे में, ना उसको पाग ना पगा। उन्होंने किस पे भी सवाल उठाया कि किडनी दिया भी है या नहीं? तो जेबर पे, भैंस पे, गाय पे, बिल्ली पे, कुत्ता पे, तब नहीं हाल है। पर भरोसा नहीं है यहाँ के एमपी को, ऐसी सरकार को कई बार तो प्रशासन पे भी सवाल उठाया कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है। भैया मेरे, मैं वही बात तो कह रहा हूँ, इसलिए वो गोली चलवा रहे हैं, तो सरकार को कई बर्खास्त करवा दी। नरेंद्र मोदी जी तो उनके पास है, उनको बोलिए कि नीतीश जी को जल्दी से बर्खास्त करिए, उसमें क्या दिक्कत है। और ये मसल मैन बन रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं छपरा में। पहले तो जनता दल के साथ थे, और नीतीश कुमार जी कल लालू जी के ही साथ फिर रहे हैं, तो जवाब क्या देंगे। और ये गाली गलौज में लगे हुए हैं, तो पहले तो लाइसेंस कैंसिल कीजिए जितना लाइसेंस हुआ है, और सब लाइसेंस सीज कीजिए छपरा का। एक आदमी के पास, एक एक माफिया के पास दो दो लाइसेंस है। और एसपीडी ट्रायल की बात मैंने की है, सभी परिजन को जो मदद थी मैंने कर दी, और जो जो चीज था एसडीएम साहब थे, एसडीएम साहब थे, एएसपी साहब थे, सबसे बातचीत भी। प्रशासन ने आपको क्यों रोक दिया? नया कानून जो 144 लगा हुआ है, आचार संहिता लगा हुआ है, महाराजगंज में चुनाव है, तो हम एहतियात तौर पर अपने साथियों के मन में जो डर है वो खत्म होगा। और शांति के लिए हम आए थे कि कम से कम छपरा में बीजेपी के गुंडे थे, बीजेपी के वर्कर ने कम बदमाशी किया, बीजेपी के नेताओं ने आग लगाया, और जिस तरीके से जाति सूचक और पर्सनल अटैक किया रोहिणी जी पर, जो हर्ट करता है। कोई भी किसी भी घर परिवार की बेटियों को पर्सनल आप नहीं कह सकते किसी भी कीमत। तो रोहिणी जी को तो गलती मांगनी चाहिए थी, कंडक्ट करना चाहिए था, उल्टे आप कह रहे गोली चलेगी बारे बा। तो इसलिए अविलंब आप गिरफ्तार हो और उनका नॉमिनेशन कैंसिल। उन्होंने कहा है कि अगर कोई तो कानून अपने हाथ में ले लिए ना, वो तब तो कानून नहीं ना रही। हम अपने भाई से पूछना चाहेंगे कि जवाब आप दीजिएगा तो कानून नहीं ना रही, इसका मतलब आप कह रहे हैं जवाब देने के लिए। तो अटैक तो इधर से कभी हुआ नहीं, तो आप छपरा के पीस को खराब तो नहीं कर सकते ना। और उनको तो ये भी पता नहीं है कि यादव राजपूत हमेशा एक साथ यहाँ, और है भी परिवार के लोग, कृष्ण के ही वंशज हैं, इन्हीं लोगों के तहत कारण जातीय उन्माद पैदा होती है। इसमें जाते हैं कि लालू जी के कैंप करने के बाद यहाँ ये सब स्थिति बनी। भैया मेरे, लालू जी तो पहले भी तो चुनाव लड़े हैं, ये नहीं लड़े हैं, राम बहादुर राव से लेकर प्रभुनाथ भाई से लेकर अरूढ़ी जी नहीं लड़े हैं लालू जी के साथ। तब लालू जी कैंप नहीं कर रहे थे, तब इनके मिर्ची क्यों नहीं लगती थी? प्रभुनाथ भाई को पूरा यादव लड़के वोटे दिया है, रूढ़ी जी को यादव वोटे दिया है, क्या बात करते हैं। लालू जी को राजपूत समाज का वोट मिलता है कि नहीं? जब लालू जी लड़े तो मिलता था कि नहीं? उनके द्वारा लगातार ये भी कहा जाने लगा कि क्या बात आप करते हैं भाई, कभी लालू यादव छपरा में नहीं कैंप करते थे। जब इनकी पत्नी और बेटी चुनाव लड़ेगी तो रूढ़ी जी कैंप नहीं करेंगे? यदि कोई पिता अपने बेटी के लिए कैंप कर रहा है इस उम्र में और इस बीमारी में, तो उनको धन्यवाद देना चाहिए, न कि आलोचना करनी चाहिए। बीजेपी के लोग तो मैं लालू जी को सवाल उठाया है, मैं लालू जी को धन्यवाद दे कि बीजेपी के लोग के बारे में ना उसको पाग ना पगा। उन्होंने किस पे भी सवाल उठाया कि किडनी दिया भी है नहीं? तो जेबर पे, भैंस पे, गाय पे, बिल्ली पे, कुत्ता पे, तब नहीं हाल है, तब न वो इंसानियत के दुश्मन है। बीजेपी इंसानियत के दोस्त है क्या? रोपिएगा बाबुल, खाइएगा खजूर। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार। भैया एडीएम साहब, 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 एडीएम साहब,
आदेश का तो हम पालन करेंगे, हमारी बातचीत भी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आ रहे हैं।